अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, और ये फीस स्ट्रक्चर मैं आपको अपडेटेड 2023 का बताने वाला हूं, क्योंकि अभी जो है डॉलर का जो करंट रेट है उसके मुताबिक जो है जो उसके अंदर चेंजेस की गई हैं उसके हिसाब से क्या क्या जो फीस स्ट्रक्चर है। अगर आपका ओपन मेरिट में पब्लिकली एडमिशन हो रहा है तो आपको इन फीस स्ट्रक्चर के बारे में लाजमी से पता होना चाहिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो है नंबर ऑफ MBBS सीट्स की, तो वो जो है पूरे पाकिस्तान में हमारे पास जो है टोटल 15,800 सीट्स होती हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइवेट है वो 8,000 हैं और पब्लिकली जो है 7,800 हैं। अब ये हर सूबे के हिसाब से इन्होंने डिवाइड की गई हैं। पंजाब और इस्लामाबाद की बात करें तो उसमें जो है पब्लिकली 3600 और इसी तरह जो है 8500 टोटल सीट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सी कम है जो कि 2250 हैं, उसकी डिवीज़न जो है 1200 और 1050 के हिसाब से है पब्लिक और प्राइवेट की। इस तरह सिंध में जो है 4250 हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा हैं, 2400-1850 के हिसाब से। बलूचिस्तान में थोड़ी सी कम है, 300-400 बन जाती हैं। इस तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी 400 हैं। तो अब हम जो है इसका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें UHS जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आ जाता है, जितने भी पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो है फ़ीस स्ट्रक्चर जो है अमूमन यही डिसाइड होता है। उसके अंदर ट्यूशन फ़ी जो है तकरीबन 30,000 से जो है 6,500 पर ईयर हो जाती है। 5 ईयर्स की बात करें तो 2,00,000 से 3,00,000 तक हो जाती है। और ट्यूशन फ़ीस जो है इसमें कुछ मेडिकल कॉलेज की डिफरेंट है, जिसमें नवाज़शरीफ मेडिकल कॉलेज की 70,000 है और इसी तरह जो है सेमी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे सरगोधा मेडिकल कॉलेज उसकी 80,000 है। और मिसलेनियस चार्जेस की बात करें तो वो 3,000 तक हो जाते हैं। इस तरह हॉस्टल ड्यूज जो है 40,000 से 50,000 एक साल के हो जाते हैं, और मैस के चार्जेज जो है 4,000 से 5,000 पर मंथ हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर KPK की बात करें यहाँ पे, तो KPK में जो है हमारे पास KMU आ जाती है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, और इसका फीस स्ट्रक्चर में ओपन मेरिट की सीट्स के हिसाब से जो है 65,500 एक साल की फीस है, और 5 सालों की जो है 4 से 5 लाख है। और सेल मेरिट सीट की बात करें तो 12 लाख पर ईयर के हिसाब से हो जाती है, और ओपन मेरिट किम्स में जो है तकरीबन 4.5 लाख पर ईयर के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो सिंध के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस की। फर्स्ट ईयर की जो है 50,000 है 600, सेकंड ईयर की 36,000, और 5 सालों की बात करें तो 1,72,000 बन जाती है। और इसी तरह हॉस्टल चार्जेस जो है 40,000 पर ईयर्स हैं, और मेस चार्जेस 4,000 पर मंथ हैं। इसी तरह अगर हम कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात करें तो उसकी थोड़ी सी अलग है जो कि 17,600 बन जाती है। इसके बाद हमारे पास क्वेटा की एक यूनिवर्सिटी आती है जो कि बुलान जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। इसका फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा कम है, 30,000 है, 5 साल का 1,00,000 से 2,00,000 तक हो जाता है, और सेकंड MBBS का जो है 5,000 हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, इसकी फर्स्ट ईयर की फीस जो है यहाँ पे 50,600 है, और 5 सालों की जो है यहाँ पे 3,00,000 तक हो जाती है। और आखिर में अगर हम बात करें यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर की AJK, और इसकी MBBS की फीस जो है फर्स्ट ईयर की 50,600 है, और अगर हम 5 सालों की बात करें तो 2,00,000 से 3,00,000 तक हो जाती है। तो ये मुकम्मल मैंने जो है सीट वाइज बता दिया कि कितनी सीटें पब्लिक और प्राइवेट होती हैं, और हर जो है सूबे की क्या क्या जो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही है, और अपडेटेड 2023 की। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी तक यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।